ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, क्या देखा हमने? क्या देखा अभी तक? सैंड मेयर देखा था, सैंड मेयर, सैंड मेयर्स। और सैंड मेयर्स में अपन ने क्या देखा था कि अगर मुझे कोई हेलाइड बनाना है, जैसे ये क्लोरीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो मैं डाइओजेनियम से जो सॉल्ट होता है, क्लोरीन का डाइओजेनियम सॉल्ट हो या फिर ब्रोमीन का, उसको मैं जो है क्या करता हूँ, CuCl और साथ ही साथ जो होता है HCl की प्रेजेंस में जो है रखता हूँ, तो मुझे क्या बनता है, मुझे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ये चीज थी क्लियर। यहां पर गाटरमान कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, इसी जैसी रिएक्शन है, सिर्फ चेंज कहाँ होगा, चेंज बस यहां होगा। देखिए डाइएजोनियम सॉल्ट N2Cl, ये प्लस, ये का है माइनस। देखिए N2Cl, अब देखो CuCl, CuCl नहीं होगा। गाटरमान में सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है कॉपर पाउडर। क्या यूज किया जाता है? कॉपर का पाउडर यूज किया जाता है। तो यहां पर कॉपर प्लस हैलाइड, कौन सा हेलोजन एसिड यूज कर रहे हो? तो कि भाई HCl इसका यूज कर रहे हैं अपन। तो क्या होगा, ये Cl उठेगा, यहां जाएगा और इस तरह से बन क्या गया अपने पास, इस तरह से अपने को मिले जाएगा। वापस चीज वही मिल रही है, देखिए क्लोरोबेंजीन मिल रही है, साथ ही साथ नाइट्रोजन और क्लोराइड दोनों ही बाहर हो जाएगी, दोनों ही क्या हो गई, बाहर हो गई। इज दैट क्लियर? यहां देखिए अगर ऐसा होता N2Br, इस पर प्लस, इस पर माइनस, क्या होगा, Br सॉरी कॉपर पाउडर रहेगा, साथ ही साथ HBr इसके ऊपर अटैक करके और खुद आकर बैठ जाएगा। और देखिए क्या बना, ये Br यानी ब्रोमोबेंजीन बना, इसको लिख लीजिएगा, ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और ये क्या बन गया आपके पास, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 और Br माइनस बाहर। इस तरह से रिएक्शन बिल्कुल सेम, एक जैसी है। यहां पर आप जो है क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस हैलाइड का यूज कर रहे हैं, बट यहां पर सिर्फ कॉपर पाउडर का यूज कर रहे हो। गाटरमान में कॉपर पाउडर का यूज होता है, जबकि सैंड मेयर में क्यूप्रस हैलाइड का यूज होता है। इज दैट क्लियर? लिख लीजिए, नोट कीजिए इसको अच्छे से,